फिलहाल हम लोग मेहसाणा जिला के ऊंझा विधानसभा में खड़े हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि जो आप मेरे कैमरे के माध्यम से ये मंदिर देख रहे हैं, इसकी अपनी एक कहें कि खूबियां हैं और इनकी एक अपनी एक कहानी है जो मैं यहाँ ऊंझा के लोगों से ही बात करके आपको दिखाना चाहती हूँ। हमारा यहाँ पे आने का मकसद ये है कि विधानसभा चुनाव है, तो चलिए उत्तर गुजरात का हम लोग दौरा कर रहे हैं तो मेहसाणा जिला को कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। और आपको मालूम है कि जब चुनाव होता है तो एक समुदाय का बहुत ज़्यादा नाम होता है कि भाई जिसका वोट प्रतिशत ज़्यादा, तो उस समुदाय के बारे में बड़ी बातचीत होती है। तो आपको मैं बता दूं कि उत्तर गुजरात में पटेल समुदाय जो है वो बहुत एक निर्णायक भूमिका जो है वो निभाता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे लोगों से बातचीत करने का। मैं आपको बताना चाहती हूँ ये कुल देवी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो आप कैमरे के माध्यम से भी दिखाइए दर्शन करने के लिए आते हैं। हम इनसे छोटी छोटी और प्यारी प्यारी बातें करेंगे और थोड़ा सा इलेक्शन को समझने का जो है वो कोशिश करेंगे। शुरुआत इस पूरे गैंग से करते हैं, इस पूरे गुट से करते हैं, ये भी दर्शन करने इस मंदिर में आए थे। आपका नाम बताइए। पारुल पटेल। अच्छा पारुल जी, मुझे एक बात बताइए, इस मंदिर के आप मुझे थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा क्या है महत्व? ये मंदिर हमारी कुलदेवी का मंदिर है, पाटीदार की कुलदेवी है और ये बहुत ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और हमारे यहाँ पर बहुत आस्था रहती है। हम हर पूनम को यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। अच्छा, हर पूनम को जो है आप यहाँ पे दर्शन करने के लिए आती हैं। तो अब हम चुनाव की बात करते हैं, आप पूरे गुजरात में घूम रही होंगी, आप कहाँ पर, आप वैसे रहने वाले कहाँ के? बेसिकली अहमदाबाद बेस्ड हूँ। आप अहमदाबाद जो है बेस्ड हो लेकिन रहते आप यहीं पे? हाँ, मेरा नेटिव यहाँ का है। अच्छा। ऊंझा बेस्ड, हाँ नेटिव ऊंझा है और मैं रहती हूँ अहमदाबाद में हूँ। चूँकि आप पटेल हैं। हाँ, ठीक, मैंने अपने इंट्रो में भी पाटीदार पटेल का मैंने जिक्र किया। आप लोग थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए ना, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए, आगे आ जाइए थोड़ा थोड़ा। तो इस बार चुनाव का क्या माहौल है? डेफिनेटली बीजेपी है, 110% इसमें कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये मोदी साहब का गढ़ है। अच्छा। और मोदी साहब तो सर्वाधिक, विश्व के सर्वाधिक नेता है। अच्छा। और उन्होंने क्या नहीं दिया है, मतलब सब कुछ दिया है जो विकास के नाम पे उन्होंने जो काम किए हैं ना, तो कोई और नेता कर ही नहीं सकता है। अच्छा। और कोई सोच भी नहीं सकता है, चाहे कांग्रेस को तो हम यहाँ कोई कांग्रेस का कुछ नाम ही नहीं है, आप पार्टी तो यहाँ कुछ नहीं है। तो जो भी है हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी है, मोदी साहब है और ये कमल है बस। अच्छा। आपको नहीं लगता कि किसी और नेता में कोई क्षमता है, जैसे आपने अभी बात कहा कि किसी और नेता में क्षमता ही नहीं है, तो क्या राहुल गांधी या फिर केजरीवाल या फिर तमाम ऐसे नेता हैं उनके अंदर कोई क्षमता नहीं है काम करने का, लोगों का हाथ में हाथ थाम के आगे चलने? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं नहीं समझती कि उनके अंदर थोड़ी भी क्षमता है। अच्छा। क्योंकि किस बेसिस पर कह रहे हैं? देखा है ना उनका काम कहीं। हाँ। सबने देखा है। हाँ। मैंने देखा है, इन सब लोगों ने देखा है। हाँ। अगर होता तो आज वो कहाँ से कहाँ होते और देश का विकास करते ना, इतने सालों से काम कर रहे थे तो आज तक देश का विकास क्यों नहीं हुआ? पहले पास्ट की बात करें, अभी जो 20 साल के होंगे उनको पता नहीं होगा, लेकिन 20 साल पहले का गुजरात की जो हाल थी वो, मैं 45 की हूँ। अच्छा। तो उस टाइम पर क्या था कि 365 दिन में 200 दिन कर्फ्यू लगता था। अच्छा। तो ये कांग्रेस का काल ये है। अच्छा। तो आज सबको पता है सेफ्टी है, अगर हम रात को 2 बजे लड़कियां अकेली जा सकती हैं और रात को 2 बजे हम नवरात्रि में से बाहर आ सकते हैं, तो ये सब कुछ ये गुजरात है। अच्छा। और मोदी साहब का गढ़ है। आपने नवरात्रि का जिक्र किया और हमसे बड़ी एक चूक हो गई थी कि हम नवरात्रि में गुजरात नहीं आ पाए थे, तो आपसे मैं गरबे का वो पूछ लेती हूँ इसी बात पर। इस बार जब गरबा हुआ, या फिर आपने कहा कि 20 सालों पहले ऐसा होता था कि कर्फ्यू लग जाता था, तो क्या फ्रीडम कहिए या फिर आप छूट कहिए, एक होता है ना कि अगर लड़की बाहर निकलती है तो एक फैमिली का भी प्रेशर आता है अगर माहौल सिक्योर नहीं होता है, तो क्या महिलाओं के लिए सेफ्टी है गुजरात? बहुत ही सेफ्टी, यानी कि मतलब सोच, कोई पेरेंट्स ये नहीं सोच पाएगा कि अगर मेरी बेटी बाहर गई है तो एक सेकंड के लिए भी वो, उनको डाउट नहीं आएगा कि सेफ्टी होगी कि नहीं होगी, इतनी सेफ्टी है। क्योंकि हम खुद जाते हैं और अकेली लड़की, ऐसा नहीं कि ग्रुप में जाएंगी तभी सेफ्टी है, अकेली लड़की भी अगर एक्टिवा लेके भी आ रही है ना 2 बजे सेफली घर पर पहुँचेगी, इतनी सेफ्टी है। आपकी मतलब आपकी शादी हो गई? मेरा बेटा है 18 ईयर्स का है, अभी USA है। अच्छा, आपका बेटा USA में है,
तो क्या वो भारत में अब लैंडिंग उनकी करा रही है कि उधर ही आप? नहीं नहीं, वापस वो डीआरडीओ के लिए उसको वापस आना है और वो उसको है ना एस्ट्रोनॉट बनना है और उसको देश के लिए कुछ करना है और डीआरडीओ में उसको काम करना है या तो इसरो में काम करना है। अच्छा। हाँ, तो मतलब वापस वो भारत में लैंडिंग करेंगे, देश के लिए कुछ करना है उसको। अच्छा, आपका जो बेटा है चूँकि 18 साल का है, विदेश में पढ़ाई के लिए गया हुआ है, तो वो कैसे सोचता है? वो भारत की पॉलिटिक्स को कहिए या फिर आप ये कहिए यहाँ के राजनेताओं के बारे में, उसकी क्या थिंकिंग? वो बहुत, वो 18 ईयर का है, बहुत छोटा था तब से वो जियो पॉलिटिक्स को बहुत मतलब गहराई से समझता था और वो देखता भी बहुत है और उसको बहुत अच्छे से मतलब डॉलर क्यों ऊपर नीचे होता है सब कुछ मतलब हमारे बताता है। हाँ, वो सब कुछ हमारी बातें ऐसी होती है कि हमारा रुपया नीचे नहीं जा रहा है, डॉलर ऊपर आया है। अच्छा। क्योंकि सभी ये जो प्रॉब्लम आए, ये जो भी प्रॉब्लम्स आए अपने, इसमें बीच में अपना रुपया थोड़ा डाउन नहीं गया था लेकिन इन्होंने हाइक किया था। तो क्या राहुल गांधी के बारे में या फिर जो दूसरे नेता हैं, केजरीवाल जी का मैं मुद्दा उठा लेती हूँ, तीसरी पार्टी सब जगह अपने उम्मीदवार इस बार उन्होंने उठाया, ऐसा पहली बार हुआ है, तो कुछ इन नेताओं के बारे में कुछ बातें आपके बेटे मतलब बोलते हैं? हाँ, केजरीवाल तो मतलब रेवड़ी बेचने वाला है भाई। हाँ, वो बेचे क्योंकि देखो फ्री कहाँ, वो मेरा बेटा बोलता है कि फ्री वो लाएगा कहाँ से। हाँ। इतना छोटा बच्चा भी ये बोलेगा कि वो फ्री में कैसे दे कैसे पाएगा। हाँ। अगर यही हाल हुआ तो श्रीलंका की जो हाल हुई है। हाँ। वही होगा अपना भारत को, ये करना है जी। सुपर पावर बनाना है ना। हाँ। इनको भी वापस आना है कि ऐसा होना चाहिए अपना देश की, सब अभी सब यूएसए और यहाँ जा रहे हैं, सबको यहाँ बुलाना है। अच्छा। कि पढ़ाई के लिए सब लोग यहाँ आए और यहाँ पर गिफ्ट सिटी में सारी अभी नई यूनिवर्सिटीज़ आ रही है ऐसी कि इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, लेकिन अभी इस टाइम पे नहीं है। और बेसिकली ये मेरा बेटा भी यहाँ ही पढ़ाई करना चाहता था लेकिन उसके अभी स्कोप काफ़ी लिमिटेड थे, 4 ही यूनिवर्सिटी है जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए उसको जाना है लेकिन वापस वो इंडिया के लिए काम करना है। ठीक। अभी यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं, वहाँ बाबा बहुत सारे लोग थे, आप लोग क्यों चले गए? आप लोग इधर आइए ना, आप लोगों से मैं बात करना चाहती हूँ थोड़ा। अब कोई बात करेगा क्या? हाँ, सामने आकर नाम बताइए अपना। क्या? पार्थ पटेल मेरा नाम है। अच्छा। और पटेल जी क्या माहौल है यहाँ पे? माहौल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है आज 25 साल 50 साल के बाद भी बीजेपी ही रहेगा। अच्छा, अगर मैं आपके जगह की मैं बात करूं, मैं ऊंझा की अगर बात करती हूं, तो क्या डेवलपमेंट भारतीय जनता पार्टी ने आपके क्षेत्र में किया? अभी यहां की पर्टिकुलर ऊंझा सिटी की बात करें तो 2 नए ब्रिज जो बना के दिए हैं जिसकी वजह से इतना ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो गया है। पहले एक एक घंटे का ट्रैफिक लगा रहता था रेलवे की वजह से। एक अंडरपास जो मेन सिटी के अंदर जा रहा है वो करके दिया है जिसकी वजह से मानो सिटी के अंदर आना 1 मिनट का काम हो गया है। जहाँ पे पहले 20-25 मिनट तक वो रेलवे की वजह से ट्रैफिक लग का जाम लगा रहता था, नया पूरा नया बस स्टेशन यहाँ पे खुला है। अभी नया सरकारी हॉस्पिटल बनने जा रहा है जिसका टेंडर भी होगा, उसका काम भी शुरू हो चुका है और मेरे हिसाब से पूरे तालुके का सबसे बढ़िया और बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पर बनने जा रहा है। अच्छा। क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली बिल्डर हूँ और कॉन्ट्रैक्ट का काम करता हूँ। काम धंधा धंधा पानी बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, काम धंधा किसी भी ना मेरे क्षेत्र में किसी भी बिजनेस या आप बोलो किसी भी जॉब या किसी भी फील्ड की बात कर सकते हो। सभी जगह पे गवर्नमेंट का जो गुड लीडरशिप है वो देखने को मिल सकता है। ये जो आपने बोला गुड लीडरशिप, क्या मायने हैं इसके? कैसे आप किसी भी सरकार को गुड लीडरशिप कहते हो? क्या मापदंड? गुड लीडरशिप मेरे हिसाब से, जैसे कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे हिसाब से जो भी मुझे डेवलपमेंट और आगे बढ़ने के लिए जो परमिशंस चाहिए, गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है उसको जो फॉलो करना होता है वो सिंगल क्लिक के अभी मिलने लगा है। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अलग अलग कचहरियों में धक्के खा रहे थे, अभी वो सब एक ही जगह पर एक ही सिंगल क्लिक में मिल रहा है। उससे ज़्यादा क्या चाहिए? और जो भी हमारे बिजनेस के रिगार्डिंग जो भी डिसीजंस होते हैं जो लोकल बॉडी की वजह से या कोई डेवलपमेंट चाहिए तो वो सब लोकल बॉडी चाहे नगरपालिका हो या तालुका पंचायत और सरकार हो उसकी तरफ से वो सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। अच्छा। इसकी वजह से हमारा बिजनेस इतना अच्छे से चल रहा है कि जिस जो 10 साल पहले सोच ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। ये बड़ा मतलब मुद्दा उठाया जाता है सर मतलब पार्टियों की तरफ से कि बिजनेसमैन के ऊपर जो है वो जीएसटी की मार हो गई है, तो क्या आप लोगों को जीएसटी की मार नहीं मतलब थपेड़े नहीं पड़ रहे हैं? हमको लगता नहीं है कि जीएसटी की ऐसी कोई मार है क्योंकि इनपुट क्रेडिट्स भी मिल रहा है। अच्छा। हम जो परचेस कर रहे हैं उसका इनपुट क्रेडिट मिल रहा है, जो हम सेल कर रहे हैं उसके ऊपर हमको जीएसटी देना है। वो अगर टैक्स नहीं देंगे तो विकास कैसे होगा, वो तो देना ही पड़ेगा। टैक्स
पूछना पड़ेगा। अच्छा, अब यहाँ पे हम दो नेताओं के बारे में फटाफट पूछ लेते हैं। चूंकि इस बार जो है गुजरात चुनाव में केजरीवाल जी ने एंट्री ली है, ठीक है, और पूरे के पूरे 182 सीट पे वो अपने उम्मीदवार जो है वो घोषित कर रहे हैं, आप उन पे अपना कुछ भरोसा दिखाते हैं या फिर उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है वो मैं पूछना चाहूंगा। दिल्ली में मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो दिल्ली में लोकल है और बिजनेस कर रहे हैं। मैं एक साल में 10-15 दिन वहाँ पे होता हूँ और मिलता हूँ। उनसे जो मुझे डिटेल्स मिल रहा है उसके बेस पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल आज नहीं 10 साल के बाद भी नहीं आ सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ अकेले फ्री मुफ्त और वो सब देने के लिए गवर्नमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट में बैठने के बाद आपको सबके बारे में देखना पड़ता है। जो सिर्फ मुफ्त देने के सिवा और कोई सोच ही नहीं सकता वो क्या गवर्नमेंट चलाए। अब कांग्रेस पे पूछ लेते हैं। कांग्रेस ने जो है आज अपना घोषणा पत्र निकाला, उसमें कहा कि हम जो है गरीबों को 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, 300 बिजली यूनिट फ्री देंगे, बिजली का जो भुगतान है वो हम खत्म, मतलब जो जिनका भुगतान है उसको पूरी तरीके से माफ़ करेंगे, और मोटेरा में जो स्टेडियम है आपके नरेंद्र मोदी जिस स्टेडियम का नाम रखा है उसको वो नाम चेंज करके फिर से जो है पटेल रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर रखेंगे, क्या चाहिए? कौन कांग्रेस? मैं जानता ही नहीं हूँ कांग्रेस को। अच्छा, कहाँ है कांग्रेस? अरे इतनी पुरानी पार्टी है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। वैसे तो नोकिया भी चला गया, अभी कोई नाम ही नहीं पूछ रहा है, तो क्या है फिर कांग्रेस कौन है? अभी मेरे को आपको कुछ देना ही नहीं है तो मैं जो मन चाहे बोल सकता हूँ। मैं आपको बोलूंगा कि कल आप मेरी ऑफिस पे आइएगा, मैं आपको 500 करोड़ दूंगा। कहाँ देना है? देना ही नहीं है तो कुछ भी बोल सकता हूँ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस सत्ता में आने ही वाली नहीं है, बिना मतलब के ये दावे कर रही है। कांग्रेस आज नहीं 25 नहीं 50 साल के बाद भी सत्ता में आएगी ही नहीं। जब आएगी ही नहीं तो क्या देना है उसको? कुछ देना आएगा ही नहीं तो क्या बात है? कांग्रेस का विभीषण किसको मानते हैं? कांग्रेस कौन? कांग्रेस मैंने पहले ही बता दिया। विभीषण कौन है? लंका दहन करने वाली कांग्रेस का कौन है? कौन सा ऐसा राजनेता मानते हैं कि जो कांग्रेस की लंका दहन पूरा कर दिया? जिस गुजरात में कभी मोदी जी के आने से पहले पूरी कांग्रेस छाई रहती थी, लंका दहन हो गया कांग्रेस का। किस नेता को आप सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं? अभी तो मैं राहुल गांधी को ही मान रहा हूँ। वही है जो जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे सीटें कम करवा रहे हैं। मतलब साउथ में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे, अभी वो उधर आ गए तो सारा उधर भी बेड़ा गर्क करें। अभी मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे आए और जम के प्रचार करें, ताकि जिस सीट पे वो आएंगे और अपना चुनावी प्रचार करेंगे वो सीट बीजेपी का आएगा, वो पक्का हो जाएगा। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी है। आपसे काका मैं बात करूंगी, नाम बताइए अपना। भरत भाई जोशी। अच्छा भरत भाई जोशी जी, एक बात बताइए, क्या माहौल आपको गुजरात के अंदर? गुजरात में तो पूरा बीजेपी है बहन जी, केजरीवाल कुछ और कांग्रेस कुछ भी नहीं है। कितना भी जोर लगा ले। लोकल गांव से आता हूँ, पाटन जिला का संकेश्वर गांव से। वो बीजेपी है प्योर, केजरीवाल को किसी कोई जानता ही नहीं है। बीजेपी का आने का कारण क्या है? आज ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि 27 सालों से ये गवर्नमेंट रिपीट हो रही है यहाँ पे, क्या कारण है? वो उसका जो राष्ट्रवाद है ना, वो मेन कारण है। राष्ट्रवाद पर वो चलता है, बाकी कांग्रेस देखो राष्ट्रवाद कुछ भी उसमें है नहीं, जरा भी राष्ट्रवाद नहीं है। केजरीवाल आप इधर अभी राष्ट्रवाद पे आ गया, थोड़ी देर में वो मुस्लिम बिस्तर में गया, वहाँ जाके राष्ट्रवाद छोड़ दिया। राष्ट्रवाद भूल जाते हैं, मतलब जगह जगह जाकर के उनका सिलेक्टेड हो जाता है। अलग अलग जगह पे जाए, अलग अलग बयान होता उसका देखो। और मोदी जी जहाँ जाएगा वहाँ वो ऐसे ही कहेगा कि बस एक ही राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, और पहले भारत माता की जय वंदे मातरम होगा। और केजरीवाल को ये सब उसकी कॉपी कर रहे हैं अभी। वो गुजरात में उसका एक भी नहीं आएगा। ये तो क्या है, पाटीदार का थोड़ा सा ये लोग नाराज हो गए थे, पाटीदार आंदोलन के वो चला गया उसके साथ, इसलिए अभी वो पग पैसा रख सका गुजरात में, बाकी उसकी ताकत नहीं है गुजरात में। पाटीदार वाला आपने क्या बताया मुझे कि पाटीदार वाले नाराज हो गए थे, क्या बताया? पाटीदार आंदोलन हुआ था ना, थोड़ा सा ये निराश हो गए थे, तब से वो उसका हाथ पकड़ लिया। अच्छा हाँ। अच्छा तो एक मुझे बात बताइए, ये आपके क्षेत्र में या फिर आपके गांव में क्या विकास हुआ? हमारा तो बहुत विकास हुआ है बहन जी, आप देखो। क्योंकि कुछ लोग ऐसा कहते हैं हॉस्पिटल सब जगह पे अच्छा है, शिक्षण भी अच्छा है, कोई जगह पे कोई तकलीफ नहीं है बीजेपी के राज में। कोई चंगा है, एकदम चंगा है, बल्ले बल्ले हो रही है, बल्ले बल्ले। कोई किसी को
कोई तकलीफ नहीं है। बाकी ये तुम्हारा मीडिया वाला है ना, बहुत चगा देता है बहन जी, मैं देखता हूँ क्या, क्या 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 मतलब चगा देता है वो बात हाईलाइट कर देता है, हाईलाइट कर देता है। हाँ, तो इसीलिए तो मैं बात कर रही हूँ ना आपसे कि थोड़ा मैं भी तो जानूँ कि भाई गुजरात की पब्लिक क्या चाहती है। मैं तो देखो कोई पक्ष के नहीं हूँ, मैं तो गुजरात का मोदी वाले हैं। मोदी का राष्ट्रवाद ऊपर मैं चल रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसा भी सवाल उठाते हैं कि भाई राष्ट्रवाद से पेट थोड़ी भर जाएगा गरीब का। अभी कोई गरीब देखो, सबको मजदूरी मिल रही है गुजरात में। हाँ। कोई गरीब नहीं है। हाँ। आप काम नहीं करना है और मुफ्त का लेना है तो फिर क्या करेंगे।